तो सिंगल बॉन्ड में रोटेशन की वजह से आप लोगों को अलग अलग आइसोमर देखने को मिलता है, उसी को कंफर्मेशन आइसोमरिज्म बोलते हैं। इथेन के अंदर आप लोग कंफर्मेशन आइसोमरिज्म को शो कर सकते हो, ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब मैं अगर ना एक कार्बन को स्टेशनरी रखे, दूसरे कार्बन को रोटेट कराऊं इस तरह से, ये देखो इस तरह से ऐसे एंगल में, इसको डीहाइड्रल एंगल बोलते हैं। तो यहां पर आप लोगों को नए नए कंफर्मर, नए नए आइसोमर देखने को मिलेंगे। बीच डैश में आप लोग एक वेज लाइन यूज करते हो और एक डैश लाइन यूज करते हो, जरा देखो एक वेज लाइन यूज करते हो और एक डैश लाइन यूज करते हो, कार्बन टू कार्बन एक सिंगल बॉन्ड दिखाओ। उसके बाद आप क्या करो, अब आपको पता है कि जो बाकी हाइड्रोजन है ये आपका जो कार्बन है बेसिकली वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, तो बेसिकली वो टेट्राहेड्रल फॉर्म करेगा। तो टेट्राहेड्रल प्लेनर तो होता नहीं, उसमें एक प्लेन से आपकी तरफ होगा, एक प्लेन से दूसरी तरफ होगा। तो आपकी तरफ वाले को वेज लाइन से दिखाते हैं, आपसे अपोजिट वाले डायरेक्शन को डैश लाइन से दिखाते हैं, और प्लेन के अंदर वाले को सिंपल लाइन से दिखाते हैं। भाई टेट्राहेड्रल कैसे बनाते हैं, अगर टेट्राहेड्रल कंपाउंड बना के टेट्राहेड्रल कुछ भी तो होता है, दिस इज द टेट्राहेड्रल कंपाउंड। अगर आप लोग यहाँ पर सो हॉर्स में अगर टेढ़ा लाइन खींचो, उसमें आप एक सीधा वाई बनाओ, एक आप उल्टा वाई बनाओ, तो ये आपकी क्या होगी, सो हॉर्स स्ट्रक्चर होगी। तीन हाइड्रोजन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इस तरफ, तीन हाइड्रोजन आप लोग दिखाई दे रहे हैं इस तरफ। इससे भी अच्छा एक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम न्यूमन प्रोजेक्शन कहते हैं। न्यूमन प्रोजेक्शन में क्या होता है, आप क्या करो पहले एक सर्किल बनाओ और सर्किल के बीच आप एक डॉट को खींचो, ठीक है। जो डॉट है वो आपका कार्बन है, सर्किल आपका दूसरा कार्बन है, डॉट आपका आगे वाला कार्बन है, सर्किल आपका पीछे वाला कार्बन है। पहले आगे वाले कार्बन से आप क्या करो, तीन हाइड्रोजन दिखा दो, दिखा दिए। फिर पीछे वाले हाइड्रोजन से क्या करो, तीन हाइड्रोजन दिखाओ, वो तीन हाइड्रोजन जो है सर्किल से शुरू होंगे क्योंकि वो पीछे है,